रात के समय तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अच्छा क्या है ये? मुझे नहीं मालूम डैडी, बहुत देर से कॉलिंग बेल बज रही थी। चुप, कारण नहीं बताना। अब तक तुम्हें हजार बार बता चुका हूँ कि रात में दरवाजा मत खोलना, तुम नहीं सुधरोगे। जाओ जाकर सो जाओ। क्या है ये? किसने भेजा होगा?
गुड मॉर्निंग डेरेक, मैंने तुम्हारा पसंदीदा नाश्ता बनाया है। तुम हमेशा इसी की जिद करते थे ना मुझसे। कम ऑन डेरेक, क्या हुआ है तुम्हें, कुछ बोलो तो सही। ये क्या कर रहे हो तुम? I'm sorry, dear. अच्छा, आज तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे, तुम्हारा मन बहल जाएगा। Hi. Hi, Sarah. How are you? मैं अंदर हूँ। तुम कैसे हो? हाँ। ओह। डेरेक कैसा है? बिल्कुल पहले जैसा ही है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं ये ठीक हो जाएगा। कोई भयंकर घटना को देखकर ये सहम गया है, ऐसा उसका कहना है। कहता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने में। आजकल तो ये अपने कमरे में भी नहीं जाता है। मुझे लगता है अगर मैं इसके लिए नए खिलौने खरीदूंगी तो शायद इसका थोड़ा मन बहल जाएगा, इसीलिए से पेंट हाउस ले जा रही थी। अगर ये वहाँ जाएगा तो बोर हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं है आंटी। ए, ऐसा नहीं बोलते। अब मैंने क्या गलत कहा? अचानक पेंट हाउस जाने की क्यों सोच रही हो? उस दुकान में बहुत सारे नए नए खिलौने आए हैं और तुम उस दुकानदार जॉय डेविड से बहुत प्यार करते हैं। डेरिक, डेरिक क्या हुआ? डेरिक, डेरिक मैं देख रही हूं तुम किसी बात से परेशान हो, प्लीज अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम मेरी इकलौती बेटी हो और तुम किसी से मिलती जुलती नहीं, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है डेरिक। तुम्हें ये दुकान पसंद है इसीलिए तो तुम्हें लाई हूं। मिस्टर पेटोस, हेलो जो, नीनो, पहले तुम वो मास्क उतारो, देखो ना वो मासूम बच्चा डर गया है। मैंने सिर्फ मजाक किया था। ये बहुत शैतान है। इसकी उम्र जैसी है। तुमने ठीक कहा, एकदम ठीक। तुमने कहा था ना कि तुम्हें कोई खिलौना बनाना है, जाओ और खिलौना बनाओ, जाओ पिनो जाओ। उसे ऐसे भयंकर मास्क बनाना बहुत पसंद है, तुम बुरा मत मानना। कहो कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ मिस्टर जो। मालूम है, मुझे सब मालूम है। तुम्हारे पति की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? ये किसी से बात नहीं करता। क्या हुआ इसे? तभी ठीक नहीं है। तुम्हें एक मैजिक करके दिखाऊंगा। नाक से पैसा निकाला, देखा? वैसे यहाँ कैसे आना हुआ सारा? डेरिक को नया खिलौना दिलाने आई हूँ। मेरे नन्हे दोस्त डेरिक के लिए? अंदर ढेर सारी खिलौने हैं, चलो अंदर चलकर पसंद कर लो। देखा? कैसा है, अच्छा लगा? सारा, तुम्हें डेरिक जैसा लड़का मिला, तुम सच में नसीब वाली हो। एक मेरा बेटा भी है, किसी काम का नहीं। उसके बारे में बात करूंगा तो तुम बोर हो जाओगी। इधर आओ, इसे देखो,
ये खिलौना कैसा है? नहीं पसंद नहीं है? अच्छा ये देखो, बहुत बढ़िया है, पूंछ खींचने से जीभ बाहर आती है। ये देखो ये जिप्पी डॉल बहुत बढ़िया है ना? नहीं अच्छा नहीं लगा। तो ये हेलीकॉप्टर देखो, हवा में उड़ता है। ये देखो इसे चाबी भरनी पड़ती है। लगता है कुछ भी पसंद नहीं आया। नन्हे बच्चे ऐसे ही होते, सब्र करो। हाँ इधर देखो डेरिक, अभी तक तुम्हें दिखाया नहीं था, अब दिखाता हूँ, तुम्हें पसंद आएगा। ये खिलौना तुम्हें जरूर पसंद आएगा। तुम फिर यहाँ आ गए? नहीं डेरी, आपने बहुत सारे खिलौने दिखाए, इसे पसंद नहीं आई इसलिए। ये खिलौना अच्छा है लेकिन हमें काफी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। चलो डेरी हम चलते हैं। अब मुद्दतों बाद आई हो और खाली हाथ जा रही हो? कल परसों आके ले लूंगी। ठीक है ठीक है। तेरे जैसा नालायक बेटा पालकर मैं दुखी हो गया हूं। तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी, नहीं मानी। अभी जो बच्चा गया वैसे तुम्हें बनना चाहिए ना? पिताजी मैंने क्या गलती की? तुम्हारे कारण मेरी दुकान में कोई नहीं आता, सिर्फ तुम्हारी हरकतों से। नो, यस, नहीं तो। देखकर आपको आते हुए मैंने नहीं देखा। आपको क्या चाहिए सर? मुझे ये खिलौना चाहिए। अच्छा ये पसंद आया, बढ़िया है, मेरे साथ आइए। ढेर सारे खिलौने ले जा रहे हैं क्या? सांता क्लॉज बनने वाले हैं? हाँ सही समझा। बहुत खुशी की बात है। मैं जल्दी में हूँ, जरा जल्दी पैक कर दीजिए। कर देता हूँ। सर पैसे कैश देंगे या कार्ड से? कार्ड। आज पहला कस्टमर। ओके मास्टर कार्ड। आज की तारीख 24/12/2000। जरा जल्दी दीजिए प्लीज। ओके 695। इस पर साइन कीजिए। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा, अच्छा सिलेक्शन है। हर क्रिसमस पर आइएगा। तुम फौरन कमरा खाली करो। पर मैं क्यों खाली करूं? तुमने जो चेक दिया था वो बैंक में पैसे नहीं बोल के बाउंस हो गया, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, निकलो। मेरी बात सुनिए, जल्दबाजी मत कीजिए, मेरे अकाउंट में लाखों रुपए हैं, चेक बाउंस नहीं हो सकता। अगर होते तो पास होता ना? सर जरूर कोई गलती हुई है, मैं बैंक वालों से बात करूंगा। बकवास मत करो, पहले तुम कमरा खाली करो। अगर मैं कैश दे दूं तो आप शांत हो जाएंगे? कैश ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने? ओके तो कल मैं दे दूंगा। ये बात है तो तुम अब जाके फिर कल आना। आपने समझ क्या रखा है, खाली करने पर जोर डाल रहे हैं? क्या पिछले महीने का किराया नहीं दिया था? वो पिछला महीना था, ये महीना पूरा हो रहा है। आपके बच्चे हैं? है, उससे इसका क्या संबंध? आपके बच्चे के लिए एक अच्छा सा क्रिसमस गिफ्ट देता हूँ, ले जाइए।
गिफ्ट देकर मुझे मस्का लगा रहे हो, ठीक है। वन सेकेंड। हाँ देखते हैं। अंदर क्या कर रहे हो? ये लीजिए। ये अच्छा होगा ना? जरूर, आपको ये बहुत पसंद आएगी। हाँ और एक बात, क्रिसमस से पहले इसे मत खोलिएगा। गिफ्ट दे के मुझे पटा लिया साले ने। कजरा रे तेरे नैना, कजरा रे, कजरा रे तेरे नैना। क्या ये? अरे रिमोट है। अरे इसके लिए रिमोट भी है क्या? रिमोट ऑन करके देखते हैं। अरे वाह। अरे वाह, अच्छा है। ए ठीक है, इधर आओ तुम। अरे अरे ऑफ करने पर भी चल रहा है ये। अरे
आवाज नहीं सुनाई दी? हेडफोन लगा लोगी तो भला कैसे सुनाई देगी? कम ऑन बेटा, हमें सांता क्लॉज से मिलने चलना है ना। उनसे जो मांगना उसकी लिस्ट तैयार कर ली। चलो कोई बात नहीं। क्या होगा पता नहीं, ये गिफ्ट किसने भेजा है? यकीनन ये किम का ही काम होगा, वही ऐसा सब कुछ करती है। इस पे लिखा है कि इसे क्रिसमस से पहले नहीं खोलना है। चलो बेटा हम चलते हैं। हे संता, बच्चों ने तुम्हारा ख्याल रखा क्या? हाँ ख्याल रखा, कुछ बच्चों ने तो भद्दा मजाक भी किया, मगर वे बहुत खुश हुए। वैसे सांता क्लॉज बनना आसान नहीं। तुम बड़ों से बड़ों को आसानी से उल्लू बना देते हो। ओ हो हो। रिकी, तुमने बॉस को देखा? कहीं मुझे उनसे पगार लेनी है। हाँ वो बाहर ही होंगे, जाकर खुद देखो ना। ये बात है। तुम्हारे बदले मैं जाता हूँ। तुमने तो अभी ड्यूटी खत्म की। मेरी बात समझो, तुम्हारे बदले मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है, गुस्सा क्यों होते हो? टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं।
अपनी इच्छा बताओ बेटी। एकाध हो तो बताओ, मेरी इच्छा ये बहुत है, मुझे इस साल क्रिसमस पर ढेर सारे चॉकलेट चाहिए, अपने फ्रेंड्स को खिलाऊंगी, अपने भाई बहनों के साथ बाहर घूमने जाऊंगी, अपने नाना नानी के साथ बहुत एंजॉय करूंगी। मेरे नाना नानी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनके प्यार करती हूँ। बाय बाय सेंटा क्लॉज। मेरी क्रिसमस। बच्चे का नाम क्या है? डेरिक। सेंटा का नाम डेरिक है। तुम्हें जो चाहिए इनसे मांग सकते हो। अगर तुम जोर से मांगोगे तो ही तुम्हें सुनाई पड़ेगा ना। अच्छा मेरे कान में कह दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो चलो यहाँ से। नहीं छोड़िए इसे, इसे मत ले जाओ। मैं आपसे कह रही हूँ छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, छोड़िए इसे। कुछ देर इसे मेरे पास ही रहने दो। छोड़िए इसे। चलो डेरिक। नाइल। कि तुम डर गए थे बेटा? वो भी बेचारे अनगिनत बच्चों को रोज देखते हैं, इस बात को भूल जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं। ओके बेटा। Thank you.
आ रही हो? क्यों पूछ रही हूँ? डेरिक तुम्हारे साथ नहीं है? क्यों किम, बात क्या है? कुछ नहीं सारा, थोड़ी देर पहले मैंने कुछ लोगों को तुम्हारे घर में जाते देखा। क्या कहा? तुम अंदर जाके देखते क्यों नहीं? ओ माय गॉड, डेरिक, डेरिक! ओ माय गॉड डेरिक, और सारा? मिस्टर जो, आप बता सकते हैं मेरे घर में आपके बेटे का क्या काम? क्या कहा? वो मेरे बेडरूम में था, उसे देख के मैं और डेरिक डर गए। सारा तुम्हें गलत फहमी हुई है, पीनो सुबह से मेरे साथ ही है। आप प्लीज झूठ मत बोलिए मिस्टर जो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पीनो ऐसा लड़का नहीं है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, वो क्यों मेरे घर पे आया मुझे इसी वक्त पता लगाना है, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। नहीं नहीं ऐसा मत करना, पहले मेरी बात सुन लो फिर फैसला करना। अब मेरी समझ में आया कि असल में क्या हुआ है। ये बात जिस घर में तुम अब रहती हो, पहले हम उसी घर में रहते थे, पीनो और मैं उसी घर में रहते थे। तो फिर आपने वो घर क्यों छोड़ा? हो गया है कि बिजनेस में नुकसान हो गया था, दूसरी तरफ बैंक वाले मेरे पीछे पड़ गए थे और फिर किराया ज्यादा हो गया, घर छोड़ना पड़ा। फिर पीनो उस घर को छोड़ना नहीं चाहता था, वो अब भी वहाँ रहना चाहता है, इसीलिए वो तुम्हारे घर आया होगा वहाँ रहने के लिए। ठीक है जो, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मगर इस मामले में मैं क्या कर सकती हूँ? आप कभी उस घर में रहती थी, इसका ये मतलब नहीं कि ब्रूनो जब चाहे मेरे घर में घुस सकता है। आप मेरी छोड़िए, मेरे बेटे डेरिक के बारे में सोचिए, वो कितना घबरा गया था। मैं समझ सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ सारा? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी। सारा ऐसा फिर नहीं होगा, विश्वास करो, मैं उसे समझा दूंगा। ओके, ठीक है मिस्टर जू। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखता हूँ कब तक अंदर रहेगा, बाहर तो आएगा ही, फिर तुझे दिखाऊंगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि इसी क्रिसमस से पहले मत खोलना, मगर कोई बात नहीं, तुम इसे खोल सकते हो डेरिक। नहीं खोलना चाहती? ऑलराइट, अगर इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं इसे यही रख देती हूँ। हाय किम, थैंक्स फॉर कमिंग। तुमने जो डेरिक के लिए क्रिसमस का गिफ्ट भेजा बहुत अच्छा है। मैंने डेरिक को कोई गिफ्ट नहीं भेजा। तुमने कोई गिफ्ट नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा होगा? तुम सच कह रही हो ना, तुमने नहीं भेजा? मैंने नहीं भेजा।
को सारी बातें बता दोगी तो तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चाहे तुम मुझसे कुछ भी कहोगे, डेरिक पूरी तरह बदल गया है। डेरिक पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ वो पहले से बहुत ज्यादा शांत हो गया है। मैं समझ सकती हूँ सारा, लेकिन अब तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा। मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। जाने से मना किया है ना? डेरिक अकेला कहां जाके आ रहा है? तुझे वहां जाने से मना किया था ना, तुम नहीं सुधरोगे। वो पुलिस में कंप्लेंट करने वाले हैं। तुझे तो मुझे आप देखिए पर कोई अफसोस नहीं। रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं मुझे मत छोड़ो, रुक जाओ, मुझे जाने दो। रुक जाओ, तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। तुझे जल समझ लूंगा। कुछ भी करो मैं वहां जाऊंगा। अपने बाप को मरेगा? मैं जानबूझकर नहीं किया डैड, मुझसे गलती हो गई डैड। नहीं छोड़ूंगा डैड। पीनो, पीनो, तुझे कुछ नहीं हुआ ना? I'm sorry बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ ना? पीनो, 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 मैंने तुझे मार तो नहीं दिया पिनो? हाय रोडी। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुझे दिखाई नहीं देता दीदी को कहाँ ले जा रहा है? लड़के हो और लड़कों की तरह ही बातें करो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। मैं इसके साथ रात गुजारने जा रहा हूँ। वही तो मैंने भी कहा बे, बड़ों से बात करना नहीं आता तुम्हें? बताता हूँ तुम्हें। जाने दो विकी। चिंता मत करो, कल क्रिसमस है, सब ठीक हो जाएगा। देरी की मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ, आज तुम्हें अकेले ही सोना होगा। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, सिर्फ आज रात। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो कल से तुम मेरे साथ सो सकते हो। मेरी बात मानोगे ना प्लीज? आज रात तुम्हें यही सोना है, कम ऑन।
आराम से सोना, सुबह मिलेंगे। अगर मेरे हाथ लगे तो तेरी खैर नहीं, वो भी देख लेता हूँ। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी आपका बेटा ठीक हो जाएगा। हेलो, हेलो, हाय। देखो इसे क्या हो गया। किम, डॉक्टर ने क्या कहा? घबराने वाली कोई बात तो नहीं? अभी कैसा है? अभी ये ठीक है, डॉक्टर ने कहा डरने की बात नहीं। बड़ी तकलीफ हो रही होगी। जानती हो ये एक्सीडेंट जानबूझ के किया गया। देखो ये सब क्या है। मैं नहीं जानती। डेरिक, बताने से तुम समझोगे नहीं मैं कौन हूं, फिर भी तुम मुझे अपना दोस्त समझो। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं, ये तुम्हारे लिए है स्पेशल गिफ्ट। इसे खोल कर देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हे कम ऑन डेरिक, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं यहाँ पे काम करती हूँ, तुम कौन हो? मैं मिसेस क्विन से मिलने आया हूँ, क्या वो घर में है? नहीं है, ऑफिस में है, आप वहीं मिल लीजिएगा। ये क्या बातें करते हुए दरवाजा बंद कर रही हो? दरवाजा खोलो, यहाँ से दफा हो जाओ। प्लीज दरवाजा खोलो, मैं मिसेस क्विन का पुराना दोस्त हूँ, मुझ पर यकीन करो। उन्होंने घर में किसी को भी आने से मना किया है। अच्छा, मिसेस क्विन कहाँ काम करती है, मुझे एड्रेस तो दो। नंबर 12 मार्केट स्ट्रीट सेकंड फ्लोर। ठीक है, मैं वहीं जाकर मिल लेता हूँ। Thank you.
शिट। चाहिए, कभी किसी से लड़ना नहीं चाहिए। एक बार एक जंगल में शिकारियों ने एक बाघ को पकड़ लिया था। उस बाघ का दोस्त था एक चूहा। चूहे ने उस रस्सी को गुतर डाला जिस रस्सी से बाघ को बांध रखा था। इस तरह बाघ की जान बच गई। एक बार एक बिल्ली चूहे को पकड़ रही थी, तब बाघ ने लगा दी। वो सोता तभी तो आ सकती थी। मिसेस क्वीन आज जल्दी आ जाएंगी। उसके पहले ही हो जाएगा। तुम बहुत सताती हो, कम ऑन। तुम्हें तो हमेशा जल्दी रहती है। Fuck man. सारा मुझे देखकर क्यों भाग रही थी? तुम बहुत बदल गई हो। कल और आज की सारा में बहुत ही बदलाव है। क्यों, क्या आप मैं सुंदर नहीं हूं? क्या हुआ? तुम्हें निहारते रहने का मन कर रहा है। तुम बिल्कुल नहीं बदले, जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही हो। ऐसा लगता है जैसे ये सब कल की घटना है। सारा, मुझे माफ कर दो। तुमने जो गलतियां पहले की थी उसके लिए आज माफी मांग रहे हो? कोई बात नहीं, मुझे छोड़कर तुम्हें गए हुए 6 साल बीत गए। मुझे विश्वास नहीं था तुम वापस आओगे। ऐसा क्यों? क्या डेरी को देखकर तुम्हें मेरी याद नहीं आती? वो मेरा बेटा है ना? हाँ। तुमने अपने गर्भवती होने के बाद मुझसे क्यों छुपाई? बता देती तो क्या कर लेती? अगर तुम बता देती तो आज हम अलग नहीं होते। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर उससे पहले ही तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती थी, लेकिन तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी पढ़ाई से प्यार था और तुम मुझे छोड़ के चले गए। अगर मुझे मालूम होता है कि तुम मां बनने वाली हो तो मैं जाता ही नहीं। मैं टूट गई थी। मेरी तकलीफों का कोई अंत नहीं था। मेरा भविष्य मैंने सोचा तुम मेरा भविष्य बनोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी बात सुनो सारा, पढ़ाई खत्म होते ही मैं फौज में भर्ती हो गया। वहां मैंने जिंदगी को करीब से देखा। मैं अपने आप को एक अच्छा पिता बनाना चाहता हूँ। अब जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ।
It's in front. Want to rip it? I'm like kicking it off. Bingo. Much attention now, were we? Yeah.
उस खिलौने के दुकानदार के बारे में कुछ जानती हो? किसके? जो के बारे में? हाँ। ज्यादा कुछ नहीं जानती, पर अच्छा आदमी है। क्यों? कुछ साल पहले कई बच्चे बिना कारण मारे गए थे, उस घटना से उसका ही संबंध है। क्या? जब मैं ग्रोह शहर में था वहाँ उनकी दुकान थी। एक ही दुकान होने के कारण बिक्री अच्छी होती थी। वो समय का नाजायज फायदा उठाने लगा। खिलौने के बहाने बम बारूद बेचने के जुर्म में पकड़ा गया था वो। मैं विश्वास नहीं करती। मेरे सामने ही उसे अरेस्ट किया गया था। उन्हें ऐसा काम करने की क्या जरूरत है भला? बोलो। कारण है उसका पागलपन, क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती अवस्था में मारी गई। इस घटना से वो पागल हो गया। ओ माय गॉड। उसका परिवार नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि इस दुनिया में सब उसकी तरह बिना परिवार के रहे। कई गुनाह करने के बाद भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए कानून कुछ भी नहीं कर सका और उसने शहर ही बदल दिया। अच्छा। मुझे तुरंत घर जाना होगा। मगर सारा, मैं डेरिक से क्या कहूंगा? उसे सारी सच्चाई बता दो। वो समझदार लड़का है, तुम्हारी बातें तुरंत समझ लेगा। इतने दिनों से सच न बताने के कारण ही तो हम सब लोग आज दुखी हैं ना? ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? विकी कहाँ है? मर गया। डेरिक कहाँ है? उसे उठा कर ले गए। कौन? कौन उसे उठा कर ले गया? खिलौने की दुकान का मालिक। ओह माय गॉड। इसे संभालो, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कम ऑन। सारा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने बेटे को बचाने जा रही हूँ। मेरी बात मानो, अकेले मत जाओ। सारा, सारा मेरी बात मानो, अकेले मत जाओ। क्या हुआ इसे? ये सब बताने का समय नहीं है। तुम इसे संभालो और पुलिस को भेजो। हाँ भेजो। जॉय की दुकान पर। दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे बेटे को कहाँ छुपा रखा है? बोलो। डेरिक,
दो तुम। Thank you.
वीनू, ये सब कैसे? ये सब करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मेरे हाथ इस गुड्डे से निकाले हैं और पैर उस गुड्डे से। सर उसका है, मेरे बाप ने ऐसी बहुत सारी चीजें सिखाई है। तुम बिल्कुल भागने की कोशिश मत करना। क्या करता तीनों जन ने अपने बाप को मार डाला। मेरी मजबूरी को तुम नहीं समझोगी, मेरी असलियत उन्हें मालूम हो गई थी और मैं अपनी असलियत जानने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। जबकि वो खुद एक अच्छा बाप नहीं बना। वो तुम्हारे बेटे डेरिक की तरह ही मुझे सच्चा और प्यारा लड़का बनाना चाहता था, पर मैं वैसा नहीं बन सकता था क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? उसका बेटा पैदा होने के पहले ही मर गया, इसलिए उसने मुझे बनाया। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। हाँ, मैं जो चाहूँ। जानती हो, मेरा बाप हर समय तुम्हारे बेटे डेरिक का तारीफ करता रहता था, इसलिए उसे मारकर उसकी जगह लेना चाहता हूँ। कई खिलौनों को भेजकर तुम्हारे बेटे को मारना चाहा, पर ऐसा नहीं हुआ। I had to. Derek has to die. Then you can be my mommy. Damn you! Where's Derek? You don't need Derek. I can be your son now. I can. Don't you see? That's why I took him. I knew you'd come. I knew you'd come. Get away from me. I can love you like a real son. I can. I can. I can. I can. I can. I love you, mommy. I love you. I love you. I want you. I love you. I love you. आज से डेरिक तुम्हारा नहीं। मेरा बेटा डेरिक कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? चाहे कुछ भी कर लो, अब मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मैं डेरिक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, अब मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। अगर उसके तरह तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। वो नहीं, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं उसे मार दूंगा। नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मेरी बात सुनो। तुम भी मेरे बेटे लायक हो, हमारे साथ आकर रहो। उसे छोड़ दो। सारा, जल्दी से डेरिक को बचाओ। छोड़ दो उसे। सारा, मैं आ रहा हूँ। नहीं, उसे कुछ मत करना, छोड़ दो उसे। मैं तुम्हें भी अपना बेटा बना लूंगी। चलो हम घर चलते हैं। अपनी माँ की बात नहीं मानोगे? उसे कुछ मत करना। नहीं, डेरिक को अब जिंदा रहना नहीं चाहिए, उसे अब मरना ही होगा। नहीं, छोड़ दो उसे। मम्मी, डेरिक, मम्मी बचाओ। सारा, डेरिक, बचाओ। डेरिक,
चलो अब घर चले। नहीं, ये गुड्डा नहीं है।